सीयूईटी स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। बच्चों ने खेलना शुरू किया, इस वाक्य में वर्तनी त्रुटि है या नहीं? ए त्रुटि है, बी त्रुटि नहीं है, सी वर्तनी सही नहीं है, या डी वाक्य गलत है। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी त्रुटि नहीं है। असमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए सम, बी अ, सी अस, या डी मान। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी अ। आसमान से गिरे खजूर में अटके मुहावरे का क्या अर्थ है? ए मुश्किल में पड़ना, बी किसी चीज का मूल्य बढ़ाना, सी एक समस्या से निकलकर दूसरी में फंसना, या डी राहत मिलना। इसका सही जवाब है विकल्प सी, समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में फंसना। जल और पानी में क्या संबंध है? ए समान अर्थ, बी भिन्न अर्थ, सी दान, या डी कोई संबंध नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए समान। गति का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए गति, बी चलन, सी वेग, या डी प्रगति। इसका सही जवाब है सी वेग। सर्वेश्वर में कौन सी संधि है? ए यड़ संधि, बी अयादि संधि, सी वृद्धि संधि, या डी गुण संधि। इसका सही जवाब है डी गुण संधि। अकाल का अनेकार्थी शब्द है ए असमय, बी अंश, सी आगे, या डी कमी। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए असमय। अनिष्ट अनिष्ट का श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कौन सा है? ए कंधा भाग, बी बुराई निष्ठा, सी दुर्लभ उत्पत्ति, या डी रचना निपुण। उसका सही जवाब है बी बुराई निष्ठा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है? ए अभिमान, बी रुपये, सी परिचय, या डी अभिमान। इसका सही जवाब है ए अभिमान। उल्लू शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ए उलूक, बी उष्ट्र, सी उड, या डी खदिर। तो इसका सही जवाब है ए उलूक। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए सरिता, बी जल, सी धार, या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।